हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीठा हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन मीठा अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेकर आता है, जिनमें से मेन है मोटापा और डायबिटीज। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज मैं कलाकंद की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मीठा भी होगा और हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। बनाने में भी बहुत आसान है, 10 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फ्रेश पनीर लेंगे, तभी कलाकंद बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अब हम इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन। अब इसमें 250 ml फुल क्रीम दूध डाल देंगे। अब फ्लेम लो करके दूध को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप कलाकंद बनाएंगे ना, तो 10 मिनट के अंदर ही आपका कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें हम शुगर का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम डालेंगे जिंदगी ब्रांड का नेचुरल स्टीविया पाउडर। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और चीनी के मुकाबले काफी मीठा होता है। ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर का, और इसको आप कई सारी मिठाइयों या फिर चाय कॉफी में भी यूज कर सकते हैं। और ये खाने में चीनी की तरह ही है, ज्यादा अंतर नहीं है चीनी में और इसमें। तो बस इसका जो आफ्टर टेस्ट है वो आपको पसंद आ गया तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है और ये वेट लॉस में भी आपकी मदद करेगा। स्टीविया एक प्लांट है जिसके कई सारे नाम है, और इसका प्लांट तुलसी के जैसा दिखता है, तो इसी वजह से इसको मीठी तुलसी भी बोला जाता है, हनी लीव्स बोला जाता है और स्वीट बेसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई जगहों पर इसको कई नामों से जाना जाता है। तो स्टीविया प्लांट के पत्तियों के रस से ये स्टीविया पाउडर बनकर तैयार हुआ है। चीनी से कहीं ज्यादा मीठा होता है, तो जिस चीज में आप चीनी का यूज 2 टेबल स्पून करते हैं उसमें सिर्फ आप इसको 1 ग्राम यूज कीजिए, वो मीठा हो जाएगा। तो आज हम इसी स्टीविया पाउडर से ये कलाकंद बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैं स्टीविया पाउडर का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अब हम दूध देख लेते हैं। तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें ये पनीर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से मैश करते रहेंगे ताकि पनीर में गुठलियां ना पड़े और दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो। और इस तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, तो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे, नहीं तो कलाकंद बढ़िया नहीं तैयार होगा। तो थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट ही रखेंगे। तो अभी हम इसमें स्वाद के लिए डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ में स्टीविया पाउडर डाल देंगे। तो इस डिब्बे में 1 स्पून होता है जो 1 ग्राम का होता है, तो मैं उसी से इसमें 4 स्पून ये पाउडर डाल रही हूँ। और अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 5 से 6 स्पून भी डाल सकते हैं। तो अभी हम फ्लेम ऑफ करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम कलाकंद सेट करने के लिए कोई कंटेनर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर केक टीन लिया है, आप चाहे तो कोई थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। कंटेनर में मैंने थोड़ा सा घी लगाकर बटर पेपर बिछा दिया है और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दे रही हूँ। अब कंटेनर में इसको डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे। और कलाकंद आप जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अब ऊपर से भी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे जिससे कलाकंद का लुक और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पिस्ता डालने के बाद स्पून से इसको प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता अच्छे से चिपक जाए। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको कट करेंगे। आधे घंटे के बाद सेट होने पर इसको कंटेनर से निकाल लेंगे। बटर पेपर लगे होने की वजह से ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसको आप अपनी मनपसंद आकार में कट कर लीजिए। तो बहुत आसानी से ये कलाकंद कट हो जा रहा है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत बढ़िया बना है। अभी मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखा रही हूँ।
तो देखिए बिना चीनी के कितना बढ़िया कलाकंद बना है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।